फर्स्ट बुक है आपकी चंद्र व्याकरण, ठीक है। तो चंद्र व्याकरण आपकी लिखी गई थी, अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं आपकी यहाँ चंद्र है तो यहाँ भी चंद्र है, तो चंद्र व्याकरण किसने लिखी थी, चंद्र गोविंद के द्वारा, ठीक है। सेकंड है आपका अमरकोश, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अमर सिन्हा, अमर सिंह जिनको कहा था, उन्होंने ही आपकी अमरकोश लिखी थी जब हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, तो अमरकोश किसने लिखी थी, अमर सिंह ने। नेक्स्ट है आपका नीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र किसने लिखा था, कमंडक ने। कामसूत्र किसने लिखा था आपका, वत्स याना ने। अगला आपका पंच सिद्धांतिका, ये किसने लिखी थी आपका, वरामिरि ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पंच सिद्धांतिका वाली बुक आपको ध्यान रखनी, ये पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है आपका अष्टंगा हरिदया, ये किसने लिखी थी आपका, वाग्भट्टा ने। आपका नेक्स्ट है आपका हस्त आयुर्वेदा, ये किसने लिखी थी आपका, पुलकप्पिया ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हस्त आयुर्वेदा आपका, पंच सिद्धांतिका हो गई, अमरकोश हो गई, ये आपका नीति शास्त्र हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये है आपका टॉपिक बुक्स ऑन साइंसेस, तो जो भी ये साइंसेस हैं उन पे जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अगला आपका संख्यार्किका, ठीक है, संख्यार्किका ये किसने लिखी थी आपका, ईश्वर कृष्णन। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बुक्स देख ली आपकी, ये आपके इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। नेक्स्ट आपके आते हैं टेम्पल्स एंड बिल्डर्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल और किन लोगों ने उन टेम्पल्स को बनाया था वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपका कैलाश टेम्पल कहां, एलोरा गुफा में, किसने बनाया था, कृष्णा ने, लेट मी ज़ूम इन। हाँ, सेकंड आपका चुन्ना केसवा टेम्पल किसने बनाया, जो आपकी बैलूर में है, वो बनाया था आपका विष्णु वर्धना ने। आपका अगला आपका रथस, ये आपका महाबल्लीपुरम में है और ये आपका बनाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। बृहदेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल आपका, जो है आपका तंजावुर में, ये आपका बनाया था राजा राजा ने। चोलासोर टेम्पल जो आपके महाबल्लीपुरम में, ये बनाया था आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ये आपका कंफ्यूज मत होना, ये आपका रथस, जो आपका रथस टेम्पल है वो भी आपका महाबल्लीपुरम में, लेकिन वो बनाया था आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, ओके। और ये आपका जो नेक्स्ट आपका चोलासोर टेम्पल, ये भी आपका महाबल्लीपुरम में और ये बनाया था आपका नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने। अगला है आपका लिंगराज टेम्पल, ये आपका भुवनेश्वर में है, ये आपके ईस्टर्न गंगा रूप्स ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका कर्जुराहो टेम्पल्स, ये आपके बनाए थे चंदेलास ने। अगला आपका राजा राजेश्वर टेम्पल जो आपके तंजौर में है, वो आपका बनाया था राजा राजा फर्स्ट ने, ठीक है। वृद्धेश्वर टेम्पल, ये भी आपका तंजौर में है और ये आपका बनाया था राजा राजा ने। और जो आपका राजेश्वरा टेम्पल है वो आपका तंजौर में है और ये बनाया था आपका राजा राजा फर्स्ट ने। नेक्स्ट आपका मीनाक्षी टेम्पल, ये आपका मदुरई में है और ये बनाया था नायका रूलर्स के द्वारा। शिवा टेम्पल, ये भी आपका तंजौर में है और ये बनाया था राजा राजा चोला ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजा राजा फर्स्ट और राजा राजा चोला, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपके बुद्धा के थे, वो आपका ध्यान देखते हैं क्या है वो। तो बर्थ का सिंबल क्या था, लोटस और बुल। नेक्स्ट आपका रेनाउंसिएशन, रेनाउंसिएशन का सिंबल था हॉर्स यानी घोड़ा। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का सिंबल क्या था, बोधि ट्री। फर्स्ट सर्मोन, इसका क्या सिंबल था, धर्म चक्रा। निर्वाणा मतलब डेथ, इसका क्या सिंबल था, फुट प्रिंट्स। नेक्स्ट देखते हैं फेमस एरा एंशियंट हिस्ट्री के। सो पहला है विक्रम एरा, कब, 58 बीसी में। नेक्स्ट है आपका शाका एरा, यह आया था आपका 78 एडी में। गुप्ता एरा, यह आपका आपका 320 एडी में। हिजरा एरा, यह आपका है 622 एडी में। फिफ्थ आपका कोलम एरा, यह आया था आपका 825 एडी में। और आपका सिक्स आपका इलाही एरा, यह आया था आपका 1583 एडी में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एरास हैं, फेमस एरा पूछ लिए आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फाइव सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी के पांच सिस्टम देखते हैं। तो पहला आपका शमक्या, ये सेज कपिला से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट फिलोसफी थी योगा की, तो ये आपकी किसने दी थी, पतंजलि ने। अगला आपका वैशेषिका, ये दी थी किसने, कन्नड़ा ने। नेक्स्ट आपका नयाया, ये किसने दी थी आपकी, अक्षा पाड़ा ने, जिनको हम क्या कहते हैं, गौतमा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका मीमांसा, ये किसने दी थी, जामिनी ने। तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये जिन्होंने ये फिलोसफी दी थी उनकी पिक्चर्स हैं, जैसे जामिनी हैं तो ये इनकी इमेजेस है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं हिस्ट्री के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आता है आपका अयोध्या, जिसको कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम, ये कहा आपके यूपी में।
सेकंड है आपके अंबेद पैलेस, ये आपके कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आपके आगा खान पैलेस, ये आपका पुणे, कहाँ है आपके? महाराष्ट्र में, जहाँ गांधी एंड कस्तूरबा इनको रखा गया था प्रिजन में, ठीक है, आगा खान पैलेस में, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ प्लेस पे आता है आपका केदारनाथ, एक होली प्लेस है हिंदुओं का, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। फिफ्थ आपके अमरनाथ, जो एक पिलग्रिम सेंटर है, जो कि आपके कश्मीर में है। सिक्स आपके एलिवेंटा केव्स, ये आपके मुंबई के पास में है। सेवंथ आपके एलोरा केव्स, ये आपके कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसमें 34 केव टेम्पल्स हैं, किन किन के? हिंदू के भी, बुद्धा के भी और जैन के भी। एट आपका राजगीर, जो कि आपका जैन टेम्पल है, कहाँ? बिहार में। नाइन्थ आपका गोल्डन टेम्पल, ये है आपका अमृतसर में, ठीक है, हरमिंदर साहिब और सिख का ही टेम्पल है। टेंथ देखते हैं, टेंथ के आपका गोल गुंबस, ये आपका कहाँ है? बीजापुर में, जो कि आपका कर्नाटका में है, इसको क्या कहते हैं? टॉम ऑफ अहमद आदिल शाह। इलेवेंथ आपका तंजोर, ठीक है, ये कैपिटल ऑफ चोलास है, बृद्धेश्वर टेम्पल है। ट्वेल्थ देखते हैं आपका चार मीनार, जो कि आपका हैदराबाद में है, ये क्या है? मॉन्यूमेंट ऑफ प्लेक्यू एराडिक्शन, सॉरी एराडिकेशन। 13 देखते हैं कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर से कहा जाता है सन टेम्पल, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। 14 आपका कुतुब मीनार, ये कहाँ है? दिल्ली में है। 15 आपका खजुराहो, जो आपके भोपाल के पास है मध्य प्रदेश, और इसमें 80 टेम्पल्स हैं, ठीक है, खजुराहो में। नेक्स्ट आपका महाबलीपुरम, ये एक सेंटर है किसका? पल्लवा आर्किटेक्चर का, और ये कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं 17, ये है आपका कुरुक्षेत्र, जहाँ आपके महाभारत की बैटल हुई थी, ये कहाँ? हरियाणा में। 18 पे आता है आपका ताजमहल, जो कि आपके आगरा यूपी में है, और किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। 19 देखते हैं सांची का स्तूपा, इसको बुद्धिस्ट स्तूपा भी कहा जाता है, ये कहाँ? आपका मध्य प्रदेश में। 20 पे आता है आपका हरिद्वार, एक होली प्लेस है हिंदुओं का, और ये कहाँ है? उत्तराखंड।